मुंडू में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई की मांग को लेकर सैकड़ों की तादाद में विधायक प्रतिनिधि हर्षवर्धन शर्मा के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का न्याय यात्रा निकला। न्याय यात्रा बुंडू स्थित विधायक आवास से अस्पताल टोली काली मंदिर से होते हुए धुरवा मोड़ स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष पहुंचा, जहां धरती आबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और ईडी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन को झूठे मामलों में फंसाया गया है, जब तक वो जेल से बाहर नहीं आते हमारा प्रतिरोध चलता रहेगा। न्याय कब मांगा जाता है? जब अन्याय होता है तभी न्याय के लिए लोग निकलते हैं। तो अन्याय हुआ है हमारे साथ, हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ, इसीलिए हम लोग न्याय के लिए निकले हैं। हमें न्याय चाहिए, एक विकास का काम करने वाला, जनता के बीच में रहने वाला, जनता का सेवक, जिसको जन समर्थन से चुना गया था, उस सरकार को अस्थिर करने के नियत से उसके मुख्यमंत्री को आज जेल के अंदर में विभिन्न कांडों में जबरदस्ती फंसा कर जो डाला गया, वो एक अन्याय है। और उसी के खिलाफ हम लोगों ने न्याय यात्रा निकाली है, और इस न्याय यात्रा का आज यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से समापन हुआ है। लेकिन हम लोग गांव-गांव, टोले-टोले और मुहल्ले-मुहल्ले जाएंगे और इस न्याय यात्रा को एक जन समर्थन, जन सैलाब के रूप में हम लोग इसको फैलाएंगे, ताकि केंद्र सरकार अपने दबाव में आए और एक न्यायप्रिय, एक विकास करने वाले मुख्यमंत्री, लोगों के प्रिय मुख्यमंत्री, एक युवा मुख्यमंत्री जिनका ये था कि हेमंत है तो हिम्मत है, उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। और फिर दोबारा हम लोग, अब की बार तो हमारे पास सीटें 2-4 ज़्यादा थी, इस बार हम लोग 50 से 55 सीटों से जीत के आएंगे और केंद्र सरकार को तमाचा मारने का काम करेंगे। हम लोग का जो माननीय हेमंत सोरेन का जो से गिरफ्तार हुआ है, उसी समय से हम लोग का जेएमएम की तरह से कार्यक्रम चल रहा है, जो कि आज के समय में जो एक मैंने जनता का चुना हुआ सरकार को गिराने का पूरा पूरी यहाँ केंद्र सरकार द्वारा जो साजिश रचा गया है, उसके खिलाफ में हम लोग आज नया मार्च है। ये कहाँ से कहाँ जाएगा? नहीं, अभी यहाँ से विधायक आवास से बिरसा चौक पर